Hello students, welcoming all of you to my YouTube channel. So in our last class we have discussed about the bone length and the bone enthalpy. Okay, so today's in this session we will discuss about the factors affecting bone enthalpy and other bone parameters like bone angle and bone order. Okay, etia ami samjhe ki ki factors er uporot bone enthalpy to depend kore. First factor to hoise bone length. So relationship to ki hoise bone length is inversely proportional to bone enthalpy. That means bone length to jiman bahibo tar bone enthalpy to himane komibo. See, these are the examples in which the chemical bones formed. Okay, so yatori suwa group 17 elements ot ami ki janu je upor pore tololoi atomic number jiman bahi jay tahator atomic size to himane bahi jay. आरो कार्बन आरो आयोडिन माजर बोन लेंथ तो आटेट कोई बेसी हबो क्यों कारण आयोडिन तो साइज तो डांगर होय सो ही की हबो तार बोन लेंथ तो बेसी हबो सो आयोडिन एंड कार्बन विल फॉर्म लॉन्गर बोन बिटवीन देम सो इतिया बोन एंथैल्पी ऑर्डर तो की हबो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोन एंथैल्पी ओके कार्बन और फ्लोरिन मजर बोन एंथैल्पी तो आटेट कोई बेसि हम क्यों इहतर मजर बोन तो शॉर्ट है सी दिस इज ए मार्कर एंड दिस इज द पेंसिल ओके सो आमी जो ए पेन और पेंसिल दुईटा मूरत दुटा एटम रखा बुली कन्सिडार करूँ तेते कि हम सीते एटा केमिकल बोन फॉर्म करिसे होइने आरो ए लेंथ तो होइसे सीतर बोन लेंथ सो एतिया जदि ए मार्कार तो मैं ब्रेक करिबो बिचारो तेतिया आमाक कि लागिबो जिमानतो एनर्जी लागिबो ए स्मॉल डिस्टेंसर पेंसिल डाल ब्रेक करते मोक कि लागिबो बेसी एनर्जी लागिबो यार कि होइसे डिस्टेंस तो बेसी सो याक ब्रेक करते जिमानखिनि एनर्जी लागिबो ए पेंसिल डाल ब्रेक करते मोक कि लागिबो बेसी एनर्जी लागिबो जदि दुटा मुरा दुटा एटम्स आसे बुली कन्सिडर करू हिहतर एट्रेक्टिव फोर्स तो कि बेसि बिकज अफ द डिस्टेंस ओके सो याक ब्रेक करिबले आमाक बेसि एनर्जी लागिबो ए लेंथ बेसि होय थका पेन तो ब्रेक करिबले आमाक कि लागिबो कम एनर्जी लागिबो दैट इज व्हाई बोन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोन एंथैल्पी सेकेंड पॉइंट तो हैछे बोन साइज जिमाने एटम बिलाकर माजर साइज तो बाहि जाबो हिमाने बोन एंथैल्पी तो कि हबो कमी जाबो This is a very simple logic. So size increases, bone enthalpy decreases. So yaar dekhisa je carbon, silicon, germanium aur tin ihote ki koise eta eta single bone form korise. So same group of elements hoy hoti bone enthalpy to kar beshi hobo carbon carbonor beshi hobo. Aro eta factor ase hetu hoise bone order. So relationship is what? Bone enthalpy is directly proportional to bone order. Okay, so bone order माने की होय? That means how many bones are combined together in a molecule, or simply as किमान electron pair इटा bonding और participate कोई से हेतुए हुए से तार bone order. और basically आमी कबो पारो से strength of a bone. That is known as the bone order. So molecule इटा form होते तार strength तो जिमाने बाहिबो. বা বোন অর্ডারটো যিমান বাঢ়ি যাব তাৰ বোন এনথেলপিটো সিমানেই বাঢ়িব এতিয়া এই এক্সাম্পলটোত চাব পাৰা যে ইয়াত কি হৈছে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত সিংগল বোন ফৰ্ম হৈছে ইয়াত ডাবল বোন আৰু ইয়াত ট্ৰিপল বোন অকে সো ইয়াত কাৰ্বনৰ বোন অর্ডাৰ কিমান হ'ব 1 ইয়াত হ'ব বোন অর্ডাৰ 2 এণ্ড হিয়াৰ দা বোন অর্ডাৰ ইজ 3 অকে সো আমি কি কৈছো যে जिमाने बोन ऑर्डर तो बाहिबो हिमाने तार बोन एंथैल्पीओ बाहिबो सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोन एंथैल्पी दैट मीन्स व्हाट जदि सुवा एडाल होइसे एडाल मार्कर होइने ई जदि एडाल सिंगल बोन फॉर्म करिसे बुली धरु आमी सो याक ब्रेक करिबले आमाक जिमान एनर्जी लागिबो ए तिनिडाल स्केच पेनक आमी ब्रेक करिबले कि लागिबो बेसी एनर्जी लागिबो होइने It will be difficult to break the three marker as compared to only
वन मार्कर जेतिया मलिकुलर मजर ट्रिपल बोंड फॉर्म हो तक ब्रेक करक बेसी एनार्जी लगे आको डबल बोंडत ततको कम लगे और सिंगल बोंडत आटको कम एनार्जी लगे सो कि लार्जार द बोन डिसोसिएशन एनथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बोन इन द मॉलिक्यूल सी दिस इज अनदर एग्जांपल इन व्हिच ड्यूरिंग द बोन ब्रेकिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन द बोन डिसोसिएशन एनथैल्पी इज व्हाट 431.0 किलोजूल पर मोल सो एटो होइसे एटा हेटर न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सो जिकोनो एटा डायटोमिक मॉलिक्यूलर कारणे तार एटोमाइजेशन एन्थैल्पीटोए होइसे बोन एन्थैल्पी बट फॉर पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सिंस इन केस ऑफ पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड द बोन एन्थैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल्स सो द टर्म मीन और एवरेज बोन एन्थैल्पी इज यूज्ड सो आम जिको पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स बोन एन्थैल्पी तो तार मीन उलिया पिनी कैलकुलेट करूँ वाटर मॉलिक्यूल तो एटा पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल है क्यों कारण इयात दुटातकै बेसी एटम आछे ए वाटर मॉलिक्यूल तो दुटा ओएस ग्रुप लागि आछे होइने सो इयाक ब्रेक करोते आमा की हबो फर्स्ट स्टेपत ए वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन आरो ओएस ग्रुप लै ब्रेक हबो सो फर्स्ट बोन तो ब्रेक होते जी एन्थैल्पी आमक रिक्वायर्ड हम सीट हम कि 502 किलोजूल पर मोल सेकेंड स्टेप कि हम ए ओएस ग्रुप तो आको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले ब्रेक हम सो सेकेंड स्टेप ओएस ग्रुप तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम ले कन्वर्ट होते जिमानखिनि एनर्जी आमक रिक्वायर्ड करिसे हेतु होइसे किमान 427 किलोजूल पर मोल सो इत की ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मजर बोनडाल ब्रेक सो द डिफरेंस इन द एटोमाइजेशन एन्थैल्पी वैल्यू शोज दैट द सेकेंड ओएस बोन अंडरगोस सम चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजिंग केमिकल एनवायरनमेंट सो एटिया आमी यार बोन एन्थैल्पी तो उलियाबो कारणे मीन वैल्यू तो कैलकुलेट करिम So after taking the mean or average value, we get the bone enthalpy of water molecule is what 464.5 kilojoule per mole. So ami enake polyatomic molecule bilakor bone enthalpy calculate koribo paru. Next parameter to hoise bone angle. Okay, so this is very simple. So bone angle is defined as what? It is the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. So jikuno eta molecule or central atom to surround koripini electron cloud or karne jitu angle ami pao ta kua hoy bone angle. For example, this is the structure of water molecule. Ami sobe janu je water ki hoy? V-shaped structure hoy. So yat oxygen to ki hoise ta central atom and these bones are simply orbitals having bonded electrons okay that is yat ki thake electron or cloud thake so bonding electrons bilake central atom to surround kori pini jitu angle create kore hetu hoise bone angle आरो वाटरर बोन एंगल होइसे 104.5 डिग्री सो हाइब्रिडाइजेशन पहुते आमी बोन एंगल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो केने कोई कैलकुलेट करे हेखिनि आमी डिस्कस करिम नेक्स्ट पैरामीटर तो होइसे बोन ऑर्डर सो इन द लिविस द स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बोन द बोन ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बोन्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल सो एटो सिंपली की होय नंबर ऑफ बोन्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट
बोन फॉर्मेशन। सो हाइड्रोजेन मॉलिक्यूलत की है लिविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए देखो जे एटा हाइड्रोजेनर वैलेंस इलेक्ट्रॉने आनटो हाइड्रोजेनर वैलेंस इलेक्ट्रॉनर लगत शेयर करि पिनि किहते स्टेबिलिटी गेन करे आरो मॉलिक्यूल तो फॉर्म करे होइने। सो बेसिकली बोंडिंग ऑन जिकोनो एटमे किमान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे हेटुए होइसे तार बोन ऑर्डर। सो इयात हाइड्रोजेने एटा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करिसे सो इयार बोन ऑर्डर किमान होइसे 1। सिमिलारलि ऑक्सीजेने डबल बोन फॉर्म करे सो इयार बोन ऑर्डर हबो 2। आको नाइट्रोजेने ट्रिपल बोन फॉर्म करे सो इहते 3টা इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करि पिनि स्टेबल होइसे हेकारने इयार बोन ऑर्डर किमान हबो 3। सो इफ वी सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बोन ऑर्डर देन यू कैन सी दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ए बोन इज सिंपली नोन एज द बोन ऑर्डर। सो एक किसान बोन ऑर्डर तो 2.5 बा 1.5 हम पे तुम कब ना सीते ट्रिपल बोन फॉर्म करिसे बा डबल बोन फॉर्म करिसे। सो आम फ्रैक्शनल बोन ऑर्डर बिलाक केने कोई पाऊं बा क्यों पाऊं हे गुटेखिनि कथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ूते डिस्कस करिम। सिमिलारलि इन केस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड द 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके सो इट्स बोन ऑर्डर इज 3। इयात जदि चुआ कार्बन मोनोक्साइडर एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन तो किमान होइसे 946 किलोजल पर मोल। सो इट हेज हाइएस्ट बोन एन्थैल्पी आरो कार्बन मोनोक्साइड तो कि होय वन ऑफ द हाइएस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल होय। सो बोन तो जिमानी स्ट्रॉंग हबो तार बोन एन्थैल्पी तो मैक्सिमम हबो। नाउ सी द ट्रिक टू कैलकुलेट बोन ऑर्डर। ओके फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स दे हैव आइडेंटिकल बोन ऑर्डर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स व्हाट? आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। सो जोनबिलाक मॉलिक्यूल्सर इलेक्ट्रॉन तो सेम थाके हिहतर बोन ऑर्डरो कि होय सेम होय। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजेन जदि आमी नाइट्रोजेनर इलेक्ट्रॉन तो साओ सो किमान हबो नाइट्रोजेनर एटा एटमर इलेक्ट्रॉन तो होइसे 7। सो दुटात किमान थाकिबो इटा 7+7 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। आरो आमी जानु जे नाइट्रोजेने ट्रिपल बोन फॉर्म करे सो इट हेज द बोन ऑर्डर 3। सिमिलारलि इन केस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल इफ वी सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाट इज इट? कार्बनत थाके 6 प्लस अक्सिजेनत 8 दैट इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतना देखी सैजे कार्बन मनोक्साइडरों 14 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजेनरों 14 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जो नम्बर अफ इलेक्ट्रॉन्स कि आसे सेम आसे। सो इत कार्बन मनोक्साइडे ट्रिपल बोन फॉर्म करिबो आरो इयार बोन ऑर्डर किमान हबो 3। आरो एटा मॉलिक्यूल साबो पारा इयात कि आसे नाइट्रोजेन आरो ऑक्सीजन एटम आसे। ओके सो इहतर इलेक्ट्रॉन किमान हबो? नाइट्रोजेन हेज 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन हेज 8 इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस that is equal to 14 electrons। okay so it has also bond order 3। why? all these 3 molecules are isoelectronic species। so there is a homework for you, the question is what? find out bond order of fluorine and oxygen molecule that is F2NO2 2-. okay so tumaloke ki calculate koribo laibo fluorine aru oxygen or बोन ऑर्डर किमान होय। दिस इज योर होमवर्क।
ओके सो आमी फाइनली एक गुटेकिटा बोन पैरामीटर रिलेशनशिप तो की गम पालू बोन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोन लेंथ सो दिस कोरिलेशन इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स सो जिमाने बोन ऑर्डर बाहिबो बा बोन एंथैल्पी बाहिबो हिमाने स्टेबिलिटी तो बाहिबो किंतु बोन लेंथ तो जिमाने बाहिबो हिमाने बोन एंथैल्पीओ कमिबो प्लस बोन ऑर्डर कमिबो एंड स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू